Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about very important topic, role of management by Henry Mintzberg. Okay, so Henry Mintzberg ne different role of management ke baare mein bataya hai. Hum one by one har ek ke baare mein discuss karenge. Okay, basically inhe three parts mein divide kiya hai. Interpersonal, informational and डिसीजनल. ओके, बेसिकली इनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया, फिर इसके फर्दर सब पार्ट है. ओके, वन बाय वन हम हर एक के बारे में डिस्कस करते हैं. फिगर हेड. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर हेड की. फिगर हेड क्या होता है? फिगर हेड जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, हेड. ओके, एज अ हेड एक मैनेजर को बहुत सारे रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं, बीइंग एज अ हेड ऑफ कंपनी. ओके, जैसे बहुत सारे सेरेमोनियल रोल्स होते हैं, जैसे क्या करना, किसी एम्प्लॉयज की वेडिंग को अटेंड करना. ठीक है, उस एम्प्लॉय ने कार्ड दिया लेकिन सारे एम्प्लॉयज नहीं जा सकते, लेकिन बीइंग अ हेड कंपनी का हेड होते हुए वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. वहां पे कोई कस्टमर है, उसको कोई ऑफिस में कोई नया विजिटर आ गया, उसको लंच के लिए लेके जाना. ठीक है, तो वो बीइंग एज अ कंपनी, कंपनी का हेड होते हुए उस विजिटर को लंच के लिए लेके जा रहा है. कोई कस्टमर है, उसको बाहर लंच के लिए लेके जा रहा है. ठीक है, तो कोई इवेंट है, वहां पे कंपनी का हेड होते हुए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है उस पे वो, हर कोई तो उस लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता ना. बीइंग एज अ हेड कंपनी का हेड होते हुए वो उस लीगल डॉक्यूमेंट पे क्या कर रहा है, साइन कर रहा है. मींस बीइंग एज अ हेड कंपनी का हेड होने के नाते वो अपने आप को रिप्रेजेंट करके कई तरह के सेरेमनी सोशल कॉन्टेक्ट बनाता है लोगों से. ठीक है, उसे बोलते हैं रोल ऑफ फिगर हेड. ठीक है, बीइंग एज अ कंपनी हेड वो जो रोल प्ले करता है, डिफरेंट रोल बनाते हैं. मैंने बताया किसी एम्प्लॉयज की वेडिंग को अटेंड करना, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करना, किसी भी विजिटर को वेलकम करना, तो ये किसमें आएंगे, रोल ऑफ फिगर हेड. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लीडर. ठीक है, यहाँ पे एक मैनेजर किसका रोल प्ले कर रहा है, लीडर का. ठीक है, मींस लीडर क्या होती है, लीडर पोजिशनल पावर नहीं होती, लीडर क्या होती है, पर्सनल पावर होती है. बीइंग एज अ पर्सन, पहले आपको एज अ पर्सन वो लीडर बन के दिखाना, अपने में वो गुण लाने, अपने वो क्वालिटी लानी है ताकि लोग आपको फॉलो करें. लीडरशिप हमेशा ही क्या होती है, पर्सनल पावर होती है, पोजिशनल पावर नहीं होती. अगर आप पोजिशन के थ्रू लोगों को लीड करोगे, भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरा कहना मानो, तो लोग आपके मुंह पे तो आपका कहना मानेंगे लेकिन पीछे से आपकी बुराइयां करेंगे. तो लीडरशिप क्या होती है, पर्सनल पावर होती है. ऐसा इंसान बनना जिसे देखकर लोग मोटिवेट हो, ऐसा इंसान बनना जिसे देख के लोग इन्फ्लुएंस हो. ठीक है, आप उसे मोटिवेट करो, डायरेक्शन दो. ठीक है, ताकि लोग आपको मन से फॉलो करें, तभी लीडरशिप क्या है, पर्सनल पावर है. ऐसा एक पर्सन बनना जिसे देख के लोग मोटिवेट हो. ओके, वो हो गया रोल ऑफ लीडर. ठीक है, अब हम बात करते हैं लायसन. ठीक है, बी लायसन का मतलब क्या होता है, डीलिंग विद द आउटसाइड पीपल, डीलिंग विद आउटसाइड पीपल. ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोग हैं उनसे रिलेशनशिप बना के रखना. ठीक है, जैसे आपके सप्लायर हो गए, सप्लायर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना. आपका कस्टमर क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है उससे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना. मीडिया, उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म करना, उससे कॉन्टेक्ट बनाना. ठीक है, तो जब आप आउटसाइड से रिलेशनशिप बनाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, रोल ऐसा लायसन. ठीक है, जिसमें आप किससे डील कर रहे हो, पीपल आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आप कस्टमर की फीडबैक ले रहे हो, ठीक है, कस्टमर के व्यूज दे रहे हो, कस्टमर के आइडियाज दे रहे हो, सप्लायर को आप इन्फॉर्म कर रहे हो प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन के बारे में, या सप्लायर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो. जब आप आउटसाइड वर्ल्ड से, आउटसाइड लोगों से कॉन्टेक्ट बना के रखते हो तो उसे बोलते हैं रोल एज अ लायसन. ओके, तो ये सिंपली क्या है, इंटरपर्सनल रोल. ठीक है, जिसमें आप इंटरपर्सनली लोगों से कांटेक्ट होते हो अपने हार्ट के थ्रू. ओके, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल रोल. इंफॉर्मेशन रोल में आप लोगों को से इंफॉर्मेशन लेते हो, उनको इंफॉर्मेशन देते हो. इस केस में आपको एक अच्छा स्पोक्समैन होना जरूरी है, जरूरी है. ठीक है, इंफॉर्मेशनल रोल में. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉनिटर की. ठीक है, मॉनिटर में आप क्या करते हो, जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसे अच्छे से एनालाइज करते हो, अच्छे से मॉनिटर करते हो. सिंपली क्या, सीकिंग फॉर न्यू इंफॉर्मेशन, सीकिंग फॉर न्यू इंफॉर्मेशन.
न्यू इन्फॉर्मेशन या अपडेट इन्फॉर्मेशन, आप अच्छे से एनवायरनमेंट को मॉनिटर करके, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ताकि उसको फर्दर आप ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए यूज कर सके. ठीक है, मॉनिटर में आप प्रॉपर एनवायरनमेंट को, इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, हर चीज को प्रॉपर मॉनिटर कर, बेसिकली सीकिंग फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, सीकिंग फॉर अपडेट इन्फॉर्मेशन, ताकि कहीं से आपको कुछ न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी बना सको. ठीक है, मॉनिटर में बेसिकली ये आएगा, सीकिंग फॉर न्यू एंड अपडेट इंफॉर्मेशन. ओके, उसके बाद हम बात करें डिसेमिनेटर की. ओके, अब डिसेमिनेटर क्या है? ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलगी, आपको कुछ आउटसाइड एनवायरनमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलगी. ठीक है, आपको कुछ आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलगी, उस इन्फॉर्मेशन को राइट पर्सन तक पहुंचाना. जैसे आपको आउटसाइड एनवायरनमेंट से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी पुअर है, उस क्वालिटी में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. ठीक है, तो ये क्वालिटी में इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट वाले का काम है. ठीक है, तो आप जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करोगे, उसको ये बात इन्फॉर्म करोगे कि क्वालिटी को थोड़े अपग्रेडेशन की जरूरत है. मान लो आपको बाहर से इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक अवेयर नहीं है, इसका मतलब है आपको एडवर्टाइजमेंट की और जरूरत है. ये बात आप मार्केट डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म करोगे. ठीक है, मीन जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसे राइट बंदे तक पहुंचाना जिसके वो काम के, मीन आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई उसको राइट बंदे तक पहुंचाना जिसको वो रिक्वायर्ड है. ठीक है, वो क्या होता है? डिसेमिनेटर. वर्क क्या है? डिसेमिनेटर. उसके बाद हम बात करते हैं स्पोक्समैन. स्पोक्समैन में आएगा ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर. ठीक है, इसमें हमने किसे इन्फॉर्मेशन देनी है? आउटसाइडर को देनी है. आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जब प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. ठीक है, अपने प्रोडक्ट की पॉलिसी के बारे में बताते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बारे में बताते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटसाइड पब्लिक को कम्युनिकेट करोगे. जैसे मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगाई है. ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये बात आप गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करोगे. ठीक है, आपको कुछ प्रोसीजर है लीगल वो फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट की गुडविल बढ़ानी है या अपने प्रोडक्ट की पॉलिसी के बारे में, प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी के बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन मीडिया को दोगे. बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते भी हैं, जब भी वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो कई तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च करते हैं जिसमें उनसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उनका रिप्लाई करते हैं. ठीक है, मीन्स अपने प्रोडक्ट की जो भी स्ट्रेटजी या पॉलिसी उसको बाहर जो आउटसाइड लोग हैं उनको कम्युनिकेट करना, चाहे आपकी गवर्नमेंट होगी, मीडिया हो गया, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, आपके कस्टमर हो गए, इनको ये बात कम्युनिकेट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के बारे में, या कोई अपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा उसके बारे में. ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं डिसीजनर रोल में. इसमें सबसे पहले आएगा एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर में, ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक ऐसा बंदा होता है जो क्या करता है, इनिशिएट करता है. ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब है बीइंग एज अ बिजनेसमैन. ठीक है, बीइंग एज अ इनोवेटर. ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाला होता है. किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के जो आइडिया जनरेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो आपका एंटरप्रेन्योर ही करता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक मैनेजर किसका रोल परफॉर्म कर रहा है? एंटरप्रेन्योर का. मीन्स वो बिजनेस के लिए नए नए आइडिया सर्च करता है, नई नई अपॉर्चुनिटी सर्च करता है, वो चेंज को इनिशिएट करने वाला होता है. अगर उसे बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हमारा ये एरिया, इस एरिया में इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला नहीं, ये अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई, फिर वो क्या करता है? उस एरिया में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है. मीन्स पहले वो अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता है, फिर वो उस चेंज को इनिशिएट करता है, मीन पहल करता है किसी चीज के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे एक बिजनेसमैन, जो भी एंटरप्रेन्योर के रोल होते हैं, जो भी एक न्यू इनोवेटर के रोल होते हैं, जो एक न्यू बिजनेसमैन के रोल होते हैं, वो परफॉर्म करता है नए नए आइडिया जनरेट करना, नई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च करना, नए नए चेंज लाना ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर किसका रोल कर रहा है? एज एंटरप्रेन्योर रोल परफॉर्म कर रहा है. उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर. डिस्टर्बेंस हैंडलर का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई या नई नई कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही हैं. ठीक है, एकदम से आपके यहाँ पे कई सारे कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं, नॉर्मल वो बड़े अग्रेसिव है आपके प्रोडक्ट को लेकर. आपके किसी सेल्समैन ने किसी कस्टमर का एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट दे दिया, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ, पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, फंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गई. यहाँ पे क्या डिस्टर्बेंस हैंडलर का मतलब होता है? करंट
प्रेजेंट एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस आ गई, कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉर्ट आउट करना, ठीक है। डिस्टर्बेंस या हैंडल में भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉर्ट आउट करना। उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेटर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के रिसोर्सेज होते हैं, मशीनरी है, मैन है, कैपिटल है, मनी है, उसको प्रॉपर एलोकेट करना। जैसे मान लो फंड, फंड क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है। एक कंपनी ने अपना बजट बना लिया, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस फंड को एलोकेट करना, उस फंड को डिवाइड करना, उस फंड को देना, ठीक है। इसमें क्या प्रॉपर आप फंड को आपके जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो आपकी मनी है, ठीक है, उसको प्रॉपर एलोकेट करना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में प्रॉपर डिवाइड करना, ताकि आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो सके, रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो, ठीक है। नेगोशिएटर, ठीक है, यहाँ पे मैनेजर एक नेगोशिएटर का रोल परफॉर्म करता है। मींस उसकी अच्छी बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। बार्गेनिंग पावर मींस मान लो यूनियन, यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा वेजेस को लेकर, तो वो यूनियन के साथ भी नेगोशिएट कर सके, उसमें अच्छी नेगोशिएशन पावर होनी चाहिए, ठीक है। वो अपने सप्लायर से प्राइस के बारे में नेगोशिएट कर सके, वो सप्लायर से कुछ इनपुट खरीद रहा है तो उनसे भी नेगोशिएट कर रहे हैं, एक एम्प्लॉयज को अगर हायर कर रहा है तो उसकी सैलरी को लेकर भी उसके साथ नेगोशिएट कर सके। मीन्स उसमें क्या होना चाहिए, अच्छी बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए, ताकि वो आउटसाइड लोगों से नेगोशिएट कर सके, बार्गेन कर सके अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैनेजर को होना चाहिए, अच्छा नेगोशिएटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल थे, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशन और डिसीजन, ठीक है, जो कि किसने दिया, हेनरी बर्ग, ये हेनरी मिंट्सबर्ग ने दिया। आई थिंक आपको समझ में आया ना, थैंक यू।